गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 17.4। लेट मी स्टार्ट। इन दिस एक्सरसाइज वी सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए कंपटीशन द टोटल प्राइस मनी इज 800 रुपीज। इफ रीना विन्स 30% ऑफ द प्राइस मनी, हाउ मच मनी डज सी विन। मतलब आपको क्या करना है, इसमें टोटल प्राइस मनी दे रखी है, उसका 30% निकालना है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि 30% इसको प्राइस मनी मिला है। तो हमारा टोटल प्राइस मनी कितना है, 800 रुपीज़। रीना विंस प्राइस मनी, ये अमाउंट है, इसका 30% ऑफ 800। 30/100 ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो 30/100 इंटू 800, इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। 8 3 24, 240 रुपीज़। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देयर आर 75 स्टूडेंट इन ए क्लास। यहाँ पे क्या है, 75 स्टूडेंट है एक क्लास में। 60% ऑफ देम आर बॉयज, 60% क्या है, बॉयज है। तो आपको निकालने क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। तो देखिए, टोटल स्टूडेंट इन क्लास 75, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज 60% ऑफ 75। तो कट कीजिए इसको, 25 3 25 4 4 से कट करेंगे, 4 1 4 4 5। ठीक है, 15 3 45 बॉयज, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 बॉयज। ओके, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, ए शॉपकीपर परचेस्ड 650 पेंसिल्स, ही फाउंड दैट 12% ऑफ देम वर ब्रोकन। यानी कि 650 पेंसिल उसने परचेस्ड की है, लेकिन उसमें से 12% क्या है, ब्रोकन है। तो बताइए कि जो ब्रोकन हैं आपकी पेंसिल्स वो कितनी हैं, इनके नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल आपको फाइंड आउट करनी है। तो टोटल पेंसिल इज 650। ओके, नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल 12% ऑफ 650, 12/100 इंटू 650। कट कर दो इसको, यहाँ से कट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद 2 से करोगे, 2 6 2 5, फिर 5 से करोगे, 5 1 5 3। ठीक है, 13 6 78 पेंसिल। ओके, 13 6 क्या आ जाएगा, 78 पेंसिल इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, टोटल पेंसिल हमारे पास 650 थी, 12% उसकी ब्रोकन थे, तो 12% निकाल लेंगे इसका। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, विच वन इज मोर, 20% ऑफ 400 एंड 15% ऑफ 450। आपको सबसे पहले इनकी परसेंटेज जो नंबर है वो निकालना है। तो 20% ऑफ 400, 20% ऑफ 400 मतलब 20/100 इंटू 400। 20 से 4 0 से 0 कट हो जाएगी, 24 जाए क्या आ जाएगा, 80। उसके बाद देखिए 15/100 इंटू 450, 0 से 0 कट कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 5 से कट किया, 5 9 5 2 59 135। तो 135 2 6 12, 15 आएगा रिमाइंडर, तो 15 2 7 15, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा के क्या कर दोगे, 2 5 10। ओके, तो कौन सा ग्रेटर है, 80 किसके लिए आया था, 20% ऑफ 400 की आपका ग्रेटर नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आपका क्या है, आपकी स्टेटमेंट है डेविड अर्न्स 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, वो 10,000 रुपीज़ उसकी क्या है, सैलरी है। ही स्पेंड 6,000 रुपीज़, मतलब 6,000 रुपीज़ उसमें से वो खर्च कर देता है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। हमें फाइंड आउट करना है कि परसेंट निकालिए आप सेव मनी की। सबसे पहले तो आपको सेव मनी निकालना है। तो यहाँ देखिए, डेविड अर्न मनी 10,000, स्पेंड करता है 6,000, तो सेव मनी कितने आ जाएगी, 4,000 रुपीज़ आ जाएगी। ओके, तो परसेंट ऑफ सेव मनी क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सेव मनी डिवाइड बाई टोटल मनी इंटू 100। तो अमाउंट ऑफ सेव मनी कितनी है, 4,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100। परसेंट के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 100 से। ओके, अब देखिए यहाँ से 3 0 यहाँ कैंसिल कर दो, ये हो जाएगी। ओके, अब ये आपकी 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दो। ठीक, कितना हो गया, 4 10 40%। कितना सेव किया उसने, अपने इसका अर्न मनी का 40% अगर वो सेव करता है, 60% वो स्पेंड करता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि टोटल मनी है
10,000 और स्पेंड मनी है 6,000, तो सेव मनी क्या आ जाएगा, माइनस करके आएगा 4,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें निकालना है उसका परसेंट। परसेंट क्या करते हैं, जो अमाउंट होती है उसके डिवाइड में टोटल। ठीक है, जो हम निकालते हैं अमाउंट उसके डिवाइड में टोटल इंटू 100। तो 4,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा आपका 40%। तो 40% वो अपने मनी का सेव करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 17.40 के 1 to 5 क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने ऑन फेयर नोटबुक। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।